मंदसौर यश नगर में छोटे छोटे बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला। कार्यवाही को लेकर पहुंची नगर पालिका टीम कुत्तों को पकड़ने। मंदसौर यश नगर में छोटे छोटे बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसके बाद नगर पालिका को शिकायत की गई और नगर पालिका टीम मौके पर आज कुत्तों को पकड़ने पहुंची, जहां पर पशु प्रेमी भी पहुंच गए और इसका विरोध करते रहे कि कुत्तों को पथ पकड़ो। और मौके पर क्षेत्रवासी एवं पशु प्रेमियों के बीच जमकर हंगामा हो गया। इसके बाद पशु प्रेमियों ने मौके पर मौजूद महिला एवं पुरुषों को धमकी दी है कि तुम्हें बाद में देख लेंगे एवं कहा कि तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज कर देंगे। इस तरह का आरोप महिलाओं द्वारा पशु प्रेमियों पर लगाया गया है। मंदसौर शहर सहित जिले भर में जहां पर भी नगर पालिका टीम कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही करती है, वहां पर पशु प्रेमी मौके पर पहुंच जाते हैं और कुत्तों को पकड़ने का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, जो कर्मचारी मौके पर मौजूद होते हैं उनको भी झूठी शिकायत के नाम पर डराते धमकाते भी हैं। मंदसौर जिले के भानपुरा की बात करें तो विगत दिनों एक 12 साल की तनिषा नामक बच्ची की कुत्तों के हमले से मौत हो गई थी। एवं मंदसौर जिला अस्पताल की बात करें तो रोजाना 25 लोग कुत्ते के काटने से आ रहे हैं और आरोप लगाया कि कुछ पशु प्रेमी क्षेत्र में रहते हैं जो अपने कुत्तों को रोड पर छोड़ देते हैं और बच्चों पर वह कुत्ते हमले कर देते हैं और नगर पालिका टीम उन कुत्तों को पकड़ने के लिए आती है, उस दौरान घर के अंदर कर लेते हैं। रमा गोयल, कहाँ रहते हो और क्या? यशनगर में। ये हमारे ये परेशानी है कि हमारे यशनगर में ना कुत्ते इतने परेशान कर दिए, घर में निकलना बाहर बच्चों का, ये बच्चों के ऊपर आदत है, बच्चों को काट लिया उन्होंने, छोटी छोटी बच्चियाँ 1-1.5 साल की, और बहुत परेशान, कहीं निकलो तो जाने नहीं देते, गाड़ियों पे भी निकलो तो पाँव पकड़ लेते हैं, तो इनका कुछ हो ही नहीं रहा, पकड़ने आते हैं तो कोई पकड़ नहीं देते, अब इनका कुछ करो, इसलिए आज हम कलेक्टर आए, आवेदन देने आए कलेक्टर साहब से। कौन लोग नहीं पकड़ने देते? यही जो पशु प्रेमी है और वो बोलते हैं कि हाँ नहीं, बोले हम नहीं पकड़ने देंगे, जब कुछ होना है जो कर लो तुम, और जब काटेगा ना जब देखना, जब आके बोलना हमको, हम देखेंगे, तो इनका कुछ करो, ये बच्चे निकलना दुश्वार हो गया, छोटे बच्चे कुछ लेने जाए तो उनका बस यहाँ खड़े रहो, ध्यान रखो इनका, तो वो कुछ लेके आए, ऐसा होता नहीं बड़ों के ऊपर आ जाते। उस दिन भैया हमारे ना पास में दवाई लेने गए बच्चों के लिए, तो उनका ना पैर पकड़ लिया और उनकी दवाई सारी दूर बिखर गई और कुछ नहीं कर पाए, वो सारी दवाई ने उनका पाँव पकड़ लिया, भगा 4-5 एक साथ में, 6-7 है, और आसपास में देखो तो कोई ना कोई पकड़ने आते ना तो अंदर घुसाड़ लेते बच्चों। अब हम क्या करें, इसका इसका निराकरण तो कुछ होना चाहिए ना। क्या नाम आपका? रमा गोयल। नगर सर बिंदु खिचावत जी, क्या परेशानी किस बात को लेकर यहाँ सर? हम यहाँ कुत्तों से बहुत ज़्यादा परेशान है, हमारे बच्चों को कुत्ते पकड़ रहे हैं, बच्चे बाहर 7 बजे बाद हम और बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, सामान लेने जाते बच्चों को कुत्ते पकड़ लेते, हमको भी पकड़ लेते, चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते, और जो डॉग लवर है वो कुत्ते पकड़ के नहीं ले जाने देते हैं। और अगर आज भी हमारे कचरा वो गाड़ी आई थी कुत्ते पकड़ने वाली, हमने शिकायत करी थी तो वो सारे कुत्तों को घर के अंदर भर लिया और कुत्ते पकड़ने नहीं दिए, और हमारे मोहल्ले में आज बहुत ज़्यादा लड़ाई करी उन लोगों ने, और हमको धमकी दी है कि तुमको हम देख लेंगे और तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ हम झूठी कंप्लेन कर देंगे, और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया सर। तब हम आज कलेक्ट्रेट में आए थे, हमारे बच्चों का, ये मेरी गुड़िया है, ये हॉकी ग्राउंड जाती है खेलने, ये शाम को आती है, इसको 4 बार इसके पीछे पड़ गए और ऊपर खड़े खड़े देखा करते हैं, नीचे उतर के नहीं आते कि आपके बच्चे को हम छुड़वा लें, और अगर हमारे बच्चों को काट खाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? क्या नाम आपका? बिंदु खिचावत। वनीता पारिक। बताइए क्या परेशानी? हम लोग कुत्तों से बहुत परेशान हैं, और बच्चे तो बाहर खेलना खेल भी नहीं सकते, जबकि वो गली बच्चों को खेलने, और वो कहते हैं कि कुत्ते तो हम कुत्तों को तो हम रखेंगे, कुत्तों को हम दी, आप लोग कहना जो कुत्तों को मारोगे करोगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जबकि हम मारते भी नहीं हैं, हम तो रोज़ उसको रोटी देते हैं कुत्तों को, पर वो अब हमारे को तकलीफ़ दे रहे हैं तो हम उसका कुछ तो निराकरण चाहेंगे ना, और उसके बाद वो लोग हमको कहते हैं कि हम आप कर लो, आप आज जो हमारे साथ कांड हुआ सवेरे, अब वो हम 50 जने थे और वो तीन चार जने, और दो और क्या पता कहीं और से दो लड़कियां और आई और वो हमको धमका के गई है, तो वो भी कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप क्या कर लोगे, हम आपको देखते हैं। लड़कियों का 3-4 ग्रुप है लड़कियों का।